दोस्तों जब मैं छोटा था तो स्विस आर्मी नाइफ देख के लगता था वाह कितनी अच्छी नाइफ है, काश मेरे पास होती। तो आज देख लेते हैं कि ये कितनी अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एवरीथिंग रिव्यूज में। आज मेरे पास है विक्ट्रीनॉक्स का ये स्विस आर्मी नाइफ जो कि है 12th फंक्शन स्पार्टन। ये है एक असेंबल्ड इन इंडिया प्रोडक्ट, इसमें मिल जाते हैं आपको 12 फंक्शन और इसके ये है अदर प्रोडक्ट्स और ये है ओरिजिनल आर्मी नाइफ जो कि है 21 फंक्शन का जिसका नाम है वर्क चैंप। ये मिल जाता है आपको 1960 रुपये की कीमत पर और यह है एक जेनेरिक स्विस आर्मी नाइफ जो कि स्विस आर्मी नाइफ नहीं है। तो ओपन कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को जल्दी से और देखते हैं कि हमारा स्विस आर्मी नाइफ कैसा है। ये रहा हमारा स्विस आर्मी नाइफ, काफ़ी शाइनी है और ये रख देते हैं साथ में इसके ये जेनेरिक नाइफ। दोनों की विड्थ में आपको फ़र्क मालूम होगा क्योंकि ये है ज़्यादा फंक्शन वाला, एक जेनेरिक नाइफ जिसमें इससे ज़्यादा फंक्शंस हैं और ये हमारा स्विस आर्मी नाइफ है केवल 12 फंक्शंस के साथ जिसमें टूल कम है बट एक टूल 2 से 3 या 1-2 फंक्शन करता है। इसका आउटर ये है काफ़ी शाइनी सा है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और ये इसकी है लार्ज ब्लेड जो कि काफ़ी शार्प है और भी इसमें आपको मिल जाते हैं कई सारे टूल्स जिसमें कि आपको मैं दिखाता हूँ कि ये है एक कॉर्क स्क्रू। कॉर्क स्क्रू के साथ में आपको मिल जाता है एक ये वायर स्ट्रिपर में मिलता है जो कि पंच का भी काम करता है। ये आपका लार्ज प्लेट जो मैंने अभी आपको दिखाया था काफ़ी शार्प है तो इसको आराम से इस्तेमाल करना है। और ये मिल जाता है आपको एक कैन ओपनर जिसके ऊपर है एक स्मॉल स्क्रू ड्राइवर, फिर मिल जाता है एक बिग स्क्रू ड्राइवर जिसके नीचे दिया गया है एक कैप लिफ्टर और ये दिया गया है एक स्मॉल ब्लेड जो कि ये भी काफ़ी शार्प सा है। इसको करते हैं साइड में और देख लेते हैं कि हमारे पास अपने जेनेरिक नाइफ में और क्या एक्स्ट्रा फंक्शन मिलते हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कई सारे सेम फंक्शन हैं, एक दो फंक्शन अलग है जैसे कि इसमें सीजर है, सॉ है और इसमें भी वायर स्ट्रिपर भी दिया हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती जो कि हमें 12 फंक्शन स्पार्टन आर्मी नाइफ में नहीं मिलती हैं। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी प्रीमियम बिल्ड के साथ आता है। कॉस्ट भी ऑफ कोर्स इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, जो आपको जेनेरिक नाइफ दिखाया वो काफ़ी सस्ता है और ये अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ का है। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी टॉप नॉच है, आप इसकी क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं जेनेरिक नाइफ से जिसमें क्वालिटी ओके है, बहुत ज़्यादा कोई इतनी अच्छी नहीं है। इसके ब्लेड्स भी इतने ज़्यादा शार्प मुझे नहीं लगे बट आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं इसके साथ में। इसकी बहुत सारी जो एक्सेसरीज़ है वो देखने के लिए तो एक्सेसरीज़ है पर उससे उतना काम हो नहीं पाता है। तो ये चीज़ डिफरेंस है एक स्विस आर्मी नाइफ में और एक नॉर्मल आप अगर जेनेरिक नाइफ लेते हैं उस चीज़ में तो ये क्वालिटी आपको मिल जाती है। वैसे तो स्विस आर्मी नाइफ में काफ़ी सारे इसके वर्जन हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा फंक्शन भी मिलेंगे तो वो उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ऊपर जाती है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक की रिंग है तो इसे भी एक फंक्शन बता दिया गया है कि आप इसे एक एज अ की रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से इसके फंक्शन सारे बंद करके हम चेक कर लेते हैं कि इसमें एक दो स्टेल्थी फीचर जैसे कि ये आपको एक टूथपिक दे देते हैं तो टूथपिक इसमें है, काफ़ी जल्दी पता नहीं चलती है, आपको पहली बार लेंगे तो शायद पता भी ना चले कि ये क्या चीज़ है। दूसरी तरफ आपको मिल जाता है कि ये ट्विज़र है इसके अंदर जो है एक छोटी सी चिमटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो ये एक छोटी सी है, काफ़ी छोटे छोटे कांटे अगर निकालना है कुछ है तो काफ़ी अच्छा काम करेगी। तो ये अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छे से इसके अंदर इनबिल्ट की हुई है ये ट्विज़र, तो काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे ये। तो इसको वापस लगाते थे इसके अंदर, तो अब चेक कर लेते हैं हम इसकी शार्पनेस जल्दी से, बन जाते हैं समुराई। We'll be right back.
तो दोस्तों ये था स्विस आर्मी नाइफ का। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपका देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।